हाय गाइज, आज मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट देख सकते हैं कि प्रोडक्ट दिया गया है यहाँ पे, और मैन्युफैक्चरिंग दिया गया है और BVD दिया गया है। इसके हिसाब से मुझे चेक करना है कि कौन से एक्सपायर हो गया है प्रोडक्ट और कौन से एक्सपायर नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम इफ़ फंक्शन का उपयोग करेंगे, इक्वल टू इफ़ लगाएंगे, देन यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट मांग रहा है, तो लॉजिकल टेस्ट यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट को सिलेक्ट कर देंगे, फिर प्लस करेंगे, देन यहाँ पे इस तारीख से मैंने मैन्युफैक्चरिंग डेट से 6 मंथ यानी 180 दिन होता है 6 मंथ में, तो 180 दिन लिखेंगे। देन उसके बाद हमको टुडे फंक्शन का उपयोग करना है, लेस देन देना है, देन उसके बाद हमको टुडे फंक्शन देना है और इसको भी क्लोज कर देना है। देन उसके बाद मुझे कोमा दे के डबल कोट के अंदर मुझे एक्सपायरी लिखना है, एक्सपायरी फिर से कोमा देके, अगर 6 मंथ पूरा हो गया है तो एक्सपायर आ जाए, या फिर 6 मंथ इस डेट से 6 मंथ अभी तक पूरा नहीं हुआ है तो ये वैलिड बता दे, ठीक है। उसके बाद क्लोज ब्रैकेट करेंगे, देन एंटर कर देंगे। अब इस तरह से देख सकते हैं कि इसको आप खुद से घटा सकते हैं यहाँ से, और ये एक्सपायरी हो चुका है, और दूसरा भी, ये दूसरा वैलिड है, और तीसरा एक्सपायरी है, और सारा का सारा भी वैलिड ही है। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं और नीचे स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं इस तरह से। अगर ये वीडियो में थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें या फिर कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे हौसला मिले। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।